प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अभी अभी एक नोटिफिकेशन आया है राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। इसमें लगभग सभी परीक्षाओं का जो आयोजन और परीक्षा की डेट है वो घोषित या संभावित तिथि घोषित हो चुकी है। तो आप इसमें देख सकते हो भी कौन कौन सी डेट किस तारीख को क्या कुछ होने वाला है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करोगे और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लें ताकि हम जैसे ही ऐसे कोई नया नोटिफिकेशन आए तो आपको जल्द से जल्द उसका जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखते हैं इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आज 24 दिनांक को ये नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसमें कौन कौन सी जो एग्ज़ाम है कब होने वाली है संभावित तिथि इसमें जारी हो चुकी है। तो देख लीजिए इसमें दिया हुआ है कि 2022-23 में का कैलेंडर जारी कर दिया। तो सहायक जन संपर्क अधिकारी का होगा 24 अप्रैल 2022 को और उसके बाद में कनिष्ठ अभियंता का होगा 7-8 मई 2022 को। उसके बाद में देखो ग्राम विकास अधिकारी का होगा मई में संभावित है परीक्षा। तो जो भी विद्यार्थी ग्राम विकास अधिकारी जो मेंस की तैयारी कर रहा है तो भी तैयारी स्टार्ट कर दें क्योंकि मई में एग्ज़ाम संभावित हो चुकी है इसकी परीक्षा। उसके बाद में जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर निदेशक की होगी मई या जून में प्रस्तावित है। तो आप संभावित तिथि इसकी जारी हो चुकी है तो मई जून में एग्ज़ाम हो सकती है कंप्यूटर की और वीडियो की एग्ज़ाम मेंस की होगी मई में। उसके बाद में प्रयोगशाला की दी हुई है 4 जून 2022। उसके बाद में है कनिष्ठ अभियंता कृषि अभियांत्रिकी है 18 जून व 19 जून को। उसके बाद में पशुधन की है जुलाई को। उसके बाद में तहसीलदार और कनिष्ठ लेखाकार की है सितंबर में और वनपाल वनरक्षी की संभावित है अक्टूबर है महीने में अक्टूबर 2022 में। जिस जो भी विद्यार्थी वनपाल वनरक्षक की तैयारी कर रहा है तो अक्टूबर के महीने में संभावित है तिथि है, उससे पहले इसका एग्जाम नहीं होगा। इसके बाद में सुपरवाइजर महिला अधिकारी का देखो नवंबर में होगा। उसके बाद में कनिष्ठ सहायक लिपि ग्रेड सेकंड का होगा दिसंबर महीने में। तो ये था आज का वीडियो। तो इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो समय सारणी है वो जारी कर चुका है। तो आपको मुख्य मुख्य जैसे ग्राम विकास अधिकारी का हो गया तो ये मई में प्रस्तावित हो जाएगी। उसके बाद में है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का मई जून में प्रस्तावित कर दिया। उसके बाद में वनपाल और वनरक्षक इन दोनों का भी अक्टूबर में प्रस्तावित है और महिला सुपरवाइजर का जो पेपर होगा वो नवंबर में प्रस्तावित है। तो ये आप देख सकते हो राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड का भी आज अभी अभी ताज़ा 24 जनवरी को इसमें एक नया नोटिफिकेशन आ चुका है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करोगे और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और जो भी विद्यार्थी राजस्थान इसके ग्राम विकास अधिकारी और कंप्यूटर अनुदेशक के लिए तैयारी कर रहा है तो हमने स्पेशल उनके लिए राजस्थान भूगोल से संबंधित भारत की ज्योग्राफी से संबंधित जो एमसीक्यू की बैच है वो शाम को आपको उपलब्ध करवा दिया है। तो डेली आप प्रताप क्लासेस चैनल से जुड़ें और लगातार इस कंटी से आप इस तैयारी को और भी मजबूत कीजिए। और ग्राम विकास अधिकारी का संभावित पेपर होगा मई में। तो सारे विद्यार्थी अपनी तैयारी को और अपने लक्ष्य को देखते हुए अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।